हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रिएक्शनिस्ट। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है ट्रेन टू पाकिस्तान क्रॉसिंग थर्ड डेजर्ट। ये जो ट्रेन है वो शायद थर्ड डेजर्ट से पाकिस्तान क्रॉस कर रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, आज मैं आपको एक सफ़र में लेकर के चलने वाला हूँ जिसमें हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी करीब पहुँचने वाले हैं। ऑफिशियली जो भारत का लास्ट विलेज है यानी मुनाबाव, वहाँ तक आज हम लोग सफ़र करेंगे और इस सफ़र को आप मेरे साथ देखने वाले हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारी बाड़मेर मुनाबाव पैसेंजर सुबह 7:30 पर रवाना होगी। उससे पहले थोड़ा समय है, रेलवे स्टेशन को आप देख लीजिए, फिर आप ले चलता हूँ वहाँ पे। हमारी ट्रेन तो खैर 7:30 की, अभी अच्छा खासा टाइम था हमारे पास, तो स्टेशन के बाहर आ गए क्योंकि सोचा पता नहीं रास्ते में चाय वगैरह मिले ना मिले। वैसे बाड़मेर शहर काफी खूबसूरत लग रहा है सुबह सुबह, तो थार के यात्री का भी देखने को मिले। और चाय जरूर पी, नहीं यहाँ तो रुकती नहीं है, रुकती नहीं है बाड़मेर में, बिल्कुल। तो देखी तो होगी आपने, कैसी जाली वगैरह लगी उसमें बाहर से या कैसे? सब जाली वगैरह लगी ताकि रेत ना जाए ना। पुलिस की गश्त यहाँ रहती है क्या? और रास्ते में भी पुलिस रहती होगी फिर तो उसकी सिक्योरिटी के लिए। मतलब भारत की सबसे VIP ट्रेन कह सकते हैं उसे आप, ठीक है क्या कहा? अच्छा, मुझे जब तक जहाँ तक पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो ट्रेन नहीं चल रही है। पैसेंजर ट्रेन का नंबर 04881 मुनाबाव पैसेंजर, जो कि 7:30 हर दिन चलती है और वहाँ से 1040 वापसी की गाड़ी चलती है और जो कि यहाँ पे 12:45 पर पहुँच जाती है। बाकी ट्रेन की भी डिटेल यहाँ पर दी गई आपको एंट्री की जगह पे। और अंदर चलते हैं, देखते हैं अपनी ट्रेन वहाँ पे इंतजार कर रही है उस तक पहुँचा जाए। मास्क वगैरह देखें कोविड के बाद, मास्क वाले में किसी को नहीं देखा शायद कोर्ट से पहले क्यों पहना हुआ था N95 का से पहले भी। अच्छा, भारत से पाकिस्तान के बीच में कोरोना काल से पहले 2 ट्रेनें रेगुलर चलाई जाती थी, एक हमारी समझौता एक्सप्रेस और दूसरी थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस तो वाघा बॉर्डर वाले रूट से जाती है, पर हमारी थार एक्सप्रेस जोधपुर से चलकर बाड़मेर बिना रुके होते हुए मुनाबाव तक जाती है और आगे से 0 रेलवे स्टेशन से ट्रेन बदली जाती है और मेन थार एक्सप्रेस में वो ट्रेन जोड़ दी जाती है। यानी जो भारत से जोधपुर से जो ट्रेन चलती है उसे थार लिंक एक्सप्रेस कहा जाता है। यहाँ पीछे हमारी मुनाबाव पैसेंजर खड़ी है, काफ़ी छोटी सी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकलने वाली है। चलिए ट्रेन में चढ़ते हैं, कैसा है इसका हाल देखते हैं, कैसा इंटीरियर है देखते हैं और इस सफर को 7:30। अच्छा, पाकिस्तान नहीं जा रही होगी क्योंकि ये कह रहे हैं कि लास्ट दोस्तों हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव खड़ा है, आबू रोड का एक एल्को लोकोमोटिव है। हमारे हम लोगों ने एक्शन दिया भी है ना ट्रेन का, समझौता एक्सप्रेस का एक्शन भी हम लिख भी दे देंगे। भवानी भैया वही गटरा पे रहते हैं जो कि पाकिस्तान के सबसे करीब है ना, और मतलब मुनाबाव के बाद, जैसे मुनाबाव तो हम लोग जा ही रहे हैं। अच्छा, तो मुनाबाव स्टेशन है उसकी मतलब सिक्योरिटी का क्या हाल है यहाँ पे, क्या आलम रहता है मतलब अक्सर? अक्सर सिक्योरिटी का तो वैसे जैसे अब तो था चलनी बंद हो गई वैसे, लेकिन पहले सिक्योरिटी का तो बहुत टाइट ही रहता है वैसे अभी तक। और वहाँ पे भी आप मुनाबाव चाहेंगे तो आपको पता चल ही जाएगी डेफिनेटली। अच्छा हाँ, वो तो हम कवर करने ही वाले भाई, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट पाकिस्तान कहाँ से पड़ता है मतलब मुनाबाव के बाद? मतलब जैसे आप त्रिमुखी गांव कुछ बता रहे थे ऐसे, ये तो पूरा बॉर्डर इलाका ही है वैसे। हाँ, बाड़मेर के आगे फिर आप चले जाओगे यहाँ से, बॉर्डर इलाका है, पूरा नज़दीक ही पड़ता है डेफिनेटली सब जगह। मतलब कुछ डेस्टिनेशन कुछ नज़दीक है, कुछ थोड़ी दूर वैसा करके, गडरा से भी 3-4 किलोमीटर है, 3-4 किलोमीटर ऐसे बॉर्डर एकदम करीब है। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू, हम लोग भी सफ़र शुरू करते हैं, बस 5 मिनट का समय बचा है हमारे सफ़र को शुरू होने में। आप लोगों से मिलता हूँ ट्रेन के डिपार्चर। अच्छा, वैसे अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी पिछले दिनों कि थार जो हमारे पाकिस्तान वाली साइड है वहाँ पे भी ट्रेन चल गई है कोविड के बाद, क्योंकि कोविड में थोड़ी बहुत ट्रेन बंद कर दी गई थी तो वो चलाई गई। सुबह 7:30 तो ये हमारी ट्रेन का डिपार्चर होता है बाड़मेर से। हाँ सर, बॉर्डर के पास ट्रेन का सफर। बाड़मेर स्टेशन में आपको ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट भी देखने को मिल जाएगा।
अच्छा जो लोग रेगुलर ट्रेवल करते हैं उनके लिए इतना मज़ा नहीं होगा, तो उनको इन्जॉयमेंट नहीं होगी। जो लोग पहली दफ़ा या फिर मिसाल दो या उस वक्त पे तो ट्रेवल करते हैं उनके लिए। हाँ इंडिया पाकिस्तान में आपको ट्रेन में सफ़र करने के लिए ज़्यादा जापान वाला ही चाइना वाला ले लो, क्या जब फॉरन ट्रेवल कर सकते, फॉरनर जाते हैं ट्रेवल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करते, हम लोग मज़े से कर सकते हैं, हम लोग यही बड़े हुए हैं और यही उनके आदि है इस चीज़ के। ना मंजिल की तलाश है ना दूरियों का एहसास है, ऐ धरती माँ तेरी खूबसूरती इतनी है कि तू रेतीली होकर भी दिल के लिए खास है। कभी सोचा ना था क्या बात है? कि इतनी खास यादें लेकर के हम लोग आज इस सफर से लौटेंगे। हमेशा ही सुना था कि राजस्थान में पानी की कमी होती है और लोग अभाव में हैं, लेकिन यहाँ आकर के देखा कि लोग बहुत ही खुश मिजाज हैं। आपकी मदद के लिए एक ना एक हाथ आपके कंधे पर होगा, और अगर बाकी बात की जाए पानी वगैरह की तो उसकी भी कोई कमी यहाँ पे नहीं है। अभी हमारी ट्रेन थार मरुस्थल से होकर के गुजर रही है जो कि विश्व का 9वें स्थान पर सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका लगभग 85% हिस्सा भारत में आता है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। मैप में कुछ इस तरह का दिखता है थार मरुस्थल, काफ़ी बड़ा एरिया भारत के पास है, 15% हिस्सा पाकिस्तान में आता है। इसी रूट में भारत को पाकिस्तान से जोड़ने वाली हमारी थार एक्सप्रेस चला करती थी, फिलहाल कुछ समय से उसे बंद कर दिया गया। इस तरफ भी है और उस तरफ भी। अगर आज़ादी से पहले की बात की जाए तो 1892 में सिंध मेल पाकिस्तान के हैदराबाद से भारत के जोधपुर के बीच में चला करती थी। बंटवारे के बाद से अब थार और थार लिंक एक्सप्रेस ही बचे हैं। एंजॉय कीजिए राजस्थान के इन खूबसूरत नज़ारों को, मैं आप लोगों से जल्द ही मिलता हूं। अच्छा ये कौन से लेंथ है कि तो यहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं अपने पहले हॉल्ट पे, जसई रेलवे स्टेशन। काफ़ी छोटे से प्यारे से स्टेशन है, लेकिन हमारी पैसेंजर ट्रेन कुल मिला के लगभग 8 स्टेशन में रुकते हुए अपने 120 किलोमीटर के सफ़र को आज मुनाबाव तक तय करने वाली है। यहाँ से जो भयंकर धूल का सिलसिला है वो शुरू होता है, जिसके कारण अभी हमें विंडोज़ वगैरह बंद करने पड़ेंगे क्योंकि धूल जो है बहुत ज़्यादा उड़ रही है। ये देखिए रेत ही रेत है जो आंखों में जा रही है, कपड़ों में जा रही है, और इसका बहुत नुकसान हो सकता है। यहाँ जो है सभी खिड़की दरवाजे अभी बंद कर दिए जा सकते हैं क्योंकि रेत जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में उड़ रही है और जिसको संभालना मुश्किल होता चला जा रहा है। और यहाँ पे देखिए सीट में अगर आप देखें तो कितनी रेत इकट्ठा हो चुकी है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कैमरे में, हाथ में, शरीर में कितनी रेत जा रही होगी। और हमारे अपनी ट्रेन का सेकेंड हॉल्ट बाँच भर, और एक चीज सबसे अच्छी है यहाँ मोर हमें बहुत ही देखने को मिले इस रूट में, मतलब इतने मोर मैंने एक साथ कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, वो भी एक रेल रूट में। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने दूसरे हॉल्ट बाजपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं 42 किलोमीटर की दूरी तय करके। पहला हॉल्ट हमारा जसई था जो कि वो मैं बचपन में जब गेम खेला था तो मैं ऐसे ही फैंसी लगा था। हम लोग 18 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँचे थे और किधर भी अगर कोई चीज़ बनानी होती थी सीधे लगाए जाओ लगाए। इस रूट में बरसात केवल साल में 4 ही महीने होती है, ऐसे में ज्वार और बाजरा यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। यहाँ के लोग आपसी भाईचारे में
और समझ में सूझबूझ के साथ यहाँ की चीज़ों को मैनेज करते हैं। कभी पानी की कमी हुई भी तो गडरा रोड या फिर बारमेर से पानी को पहुँचाया जाता है, साथ ही साथ फल फूल और सब्जियाँ भी इन्हीं इलाकों से आती हैं। कोच में आपस में लोग बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन खिड़की किसी ने नहीं खोली है और उसका सबसे बड़ा कारण है ये फूल। देखिए आप कितनी जमा है, हमारी बोतलों के ऊपर मिट्टी जमा हो चुकी है, रेत भी। ये बैग का हाल है, ये लोग यहाँ सीट का हाल भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंची है रामसर रेलवे स्टेशन और मैंने यहाँ पे विंडो खोलने की हिम्मत कर ली है, देखने के लिए क्या हाल है पार्ट्स की। बाकी काफी रेत आपको आसपास दिखाई देगी, आप इसी के लिए तो हम लोग इसी तरह था। आप कमेंट में बताएं कि किसी हॉल्ट आते आते 50 किलोमीटर की दूरी तो तय कर ही ली है। सभी स्टेशन काफी छोटे हैं, यहाँ तो नेस्ले ही नेस्ले है, यहाँ जरूरत है उसी हिसाब के हैं सब, और दिन में लगभग दो ही ट्रेन है, ये एक जाने वाली और यही जब वापस आती है। वहाँ भी है लेकिन वहाँ ये वाली ज्यादा यूज होती है। भैया लोग बता रहे हैं गडरा से तार वगैरह सब दिख जाएगा बॉर्डर का, बॉर्डर का सब सबसे करीब यही होगा ना पूरे ट्रेन रूट में, और बाकी वायरिंग वगैरह सब मतलब जो फेंसिंग रहती है बॉर्डर की बता दूं आपको, मेरे पिताजी है वो भी पाकिस्तान में ही है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे 10 साल हुआ है यहाँ आए हुए, मुझे नागरिकता वागरिकता यहाँ पर मिल चुकी है, नेशनलिटी इंडियन नेशनलिटी। वो अभी मैं कई बार प्रयास कर चुका हूँ, मतलब जो इंडियन अपनी गवर्नमेंट में उसने वीज़ा बंद कर दिया है पाकिस्तान वालों को आने के लिए, रोक लगा रखी है। बॉर्डर एरियाज़ को तो हम लोगों ने मूवीज़ में देखा है और रियल लाइफ का जो वहाँ का वातावरण है अभी हमें जानने को मिला भैया से। भैया अपना नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम दरबार सिंह है। दरबार सिंह भैया ने अभी अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे इनके फादर अभी भी पाकिस्तान में हैं और ये अब बॉर्डर के इस पार हैं, लेकिन इन दोनों को जो मिलाने वाली जो थार एक्सप्रेस है वो अभी बंद चल रही है फिलहाल। इनकी सरकार से रिक्वेस्ट है कि उसे चलाया जाए जल्द से जल्द, और वीज़ा जो मिलने में देरी होती है वो थोड़ा प्रोसेस तेज़ किया जाए ताकि दो देश की जो जनता है आपस में मिल चुके, क्योंकि भाई बॉर्डर तो आखिरी में कटा था और फैमिलीज तो पहले से रह रही थी, तो कभी ऐसा होता है जैसे आपका नानी का घर 10 किलोमीटर दूर है और बीच में अचानक से एक दिन लाइन खींच दी जाए तो मिलने का तो मन करेगा, इच्छा होगी, और वही आलम यहाँ पर है। बॉर्डर में आपको कोई मतलब पाकिस्तानी लोग कहें या भारतीय नागरिक कहें इस तरफ के, उनके मन में आपको मनमुटाव नहीं दिखेगा, एक भाईचारा की जो भावना रहती है वो रहती है, एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं, मतलब मिलते जुलते दूर से बातें भी करते हैं, लेकिन जो दो देशों के बीच में जो अभी गहमा गहमी चल रही है, जो गर्माहट चल रही है, जिस समय शांत होगी उस समय सभी लोगों का भला उसी समय हो पाएगा। तो ये इनकी भी रिक्वेस्ट है सरकार से कि भाई जल्द से जल्द थार एक्सप्रेस चलाई जाए और वीज़ा की प्रक्रिया को तेज़ किया जाए। थैंक यू भैया। यार एक अचीवमेंट इन्होंने किया कि जो गुरुद्वारा है वो खोल दिया, जो वहाँ लोग आ रहे जा रहे हैं, हाँ, और लोग इतने खुश हो रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान आए हैं, वो अपने एक रिलीजियस प्लेस को विजिट कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ तक खाने पीने की कोई चीज़ आपको नहीं मिलेंगी, आपको अपने साथ लेके चलनी है, बस एक हॉल्ट और बचा है, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे सीधा मुनाबो, और यहाँ से जो बॉर्डर है यहाँ के लोगों ने बताया लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और डिपार्चर पर जो फेंसिंग वगैरह है तार वगैरह है वो आपको यहीं देखने को मिल जाएगी, लेकिन माहौल जो है यहाँ पे बॉर्डर एरियाज में काफ़ी खुश मिजाज है, दो बाकी जो लोग हैं दोनों तरफ के वो एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हैं, बस दूर से लेकिन बातें हो पाती हैं, बीच में जो तार हैं ये एक बाधा बनते हैं, लेकिन इन तार को आप नॉर्मल तार मत समझिएगा, इसमें करंट दौड़ता है, सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ से मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर हमारा जो अराइवल है ये 8:50 पर हुआ है और लगभग 9:30 तक हम लोग मुनाबो भी
पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे कई लोग उतरे हैं, मतलब मेन जो गाड़ी खाली होती है वो सीधा गडरा रोड में ही आ करके होती है। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर। गडरा रोड, अब इसके बाद शायद लास्ट स्टेशन है। शायद काफी ग्रीन है डेजर्ट के लिहाज से। नहीं, ये तो वो पौधे जो जंगली पौधे कहाँ जाते थे पता नहीं, ये डेजर्ट में ही उगते हैं। हाँ, अभी ये देखिए ग्रीन भी हो गया, शायद डेजर्ट एरिया खत्म। सामने जो है वो गड्डा सिटी है, वो जो टीला, वो जो देखो टीले में आपको तार दिख रहे होंगे ना, सामने जो एकदम टीला है उसमें तार बंदी हो रखी है, वही है बॉर्डर। देखो तार लगा, देखो देखो टावर टीले के ऊपर देखो। अच्छा, ये ठेला करके पहाड़ की देख, हाँ वो तो मैंने देखे, वो है ना, वो जो टावर दिख रहा है ना, टावर थोड़ी ओपी, ओपी मतलब आउटपोस्ट, वो अपनी है। देख वही पहाड़ के ऊपर ही है, भारतीय सेना की है, और आधा गड्ढा शहर उस पार है और आधा इस पार है। अब ये विभाजन के समय से अलग हो गया है, लेकिन दोनों तरफ गड्ढा शहर है। सिटी गड्ढा बोलते कितना अच्छा लगेगा ना, हम पाकिस्तान में खड़े हो गए। लेकिन वो लोग देख नहीं सकते थे, मुश्किल वो चौकी नज़र आ रही है, आउटपोस्ट जो नज़र आ रही है। हाँ, इंडियन है, पाकिस्तानी तो पाकिस्तान तो उस साइड पर। ऊंट भी है इधर तो, ऊंट हमें बड़ी आसानी से एकदम करीब से देखने को मिलते हैं। मतलब ये पालतू ऊंट नहीं है, ये जंगली है, पर जानवर बड़ा ही प्यारा है। मेरे ख्याल से ऊंट की वजह से रोक दिया है। ऐसे जानवर जब आ गया जितने लोग ट्रेन रुकते हैं, हाँ अगर रुक सकते हैं, अगर पॉसिबल एनिमल से। तो दोस्तों, राजस्थान में इस हिस्से में बारिश जो है मात्र साल में 4 महीने होती है, बाकी महीने पूरा सूखा पड़ा होता है। तो जो खेती यहाँ पे की जाती है इन्हीं 4 महीने की जाती है, जमीन के पानी से तो सिंचाई नहीं हो पाती, इसलिए सीधा बारिश के पानी से। वो तो जाहिर सी बात है, वो तो रोकते हैं। हाल ही में एक वाक्य भी हुआ था, ये आखिरी महीना चल रहा है टकरा गई, और पता चला कि 15 दिन पहले बारिश हुई थी एक बार। अब दोबारा कब होगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन खेती साल में केवल 4 ही महीने की जा सकती है। नीलमा स्टेशन में अभी हम लोग पहुँचे और यहाँ भी सवारी उतरी है। बहुत छोटा सा स्टेशन, ये तो अब तक का सबसे छोटा स्टेशन है। एग्रीकल्चर से वो इतने जनरेट नहीं कर रहे, रोड लगा हुआ है और मेन लाइन पे ही से बनाया गया है। क्या लिखा है, नीलमा, नीलमा। अच्छा, मुझे लगा नीला लिखा। अब यहाँ से मुना को बस 20 किलोमीटर बचा है, कॉपीराइट ना लग जाए। अगर आपको लगता है कि इस आवाज में कॉपीराइट, तो अभी हमारी ट्रेन जसिंदर से निकल रही है, लगभग 109 किलोमीटर दूर है बारमेर से। ला, ला, ये दूसरा हिस्सा स्टेशन का, आपको समझ आ रहा होगा कितना बड़ा स्टेशन है। एक गांव है यहाँ पे, केंद्रीय विद्यालय भी है और भी छोटे मोटे स्कूल है। मुनाबाव में वैसे आपको ये सभी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, इसलिए आना पड़ता है पढ़ने के लिए। बाकी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है मुनाबाव, तो मिलता हूँ आप लोगों से सीधा मुनाबाव में। भाई नहीं है, मैंने एक चीज़ नोट की, इनके जो बोर्ड हैं वो येलो और ग्रीन है, और हमारे जो बोर्ड हैं वो वाइट और ब्लू है। तो इंडिया वाले पाकिस्तान सभी चीजों बनाया गया है, आप देख सकते हैं कितनी टाइट सिक्योरिटी है, जाली है। क्योंकि ग्रीन कलर तो वो कस्टम्स का ऑफिस दिख रहा है सामने, यार ग्रीन तो एसोसिएट नहीं कर सकते इंडिया के फ्लैग में, तो ग्रीन पड़ता है। थार एक्सप्रेस आने वाली या ब्लू
तरफ बहुत ज्यादा अभी सोचा नहीं था कि यहाँ पहुँच पाऊंगा मैं, सोचा था थार एक्सप्रेस की जर्नी में ही पहुँचूंगा, पर कुछ नसीबी है कि आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्यार से सफर को तय करते हुए 9:40 एकदम राइट टाइम हम लोग पहुँच चुके हैं मुनाबाव रेलवे स्टेशन। सपना था एक बार कि यहाँ पहुंचूं, थार एक्सप्रेस के ऊपर डेडिकेटेड मैंने हिस्ट्री वीडियो भी बनाया, आप लोगों ने शायद देखा ही होगा। भाव 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 मतलब फाइनली हम लोग पहुंचे भाई, नहीं पाकिस्तान से ये भाव मेरे ख्याल से रेगिस्तानी बाइक को बोलते हैं, हां भाव कहते हैं उनको, बंदे की ना हां हम लोग दिखा रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग हैं मुनाबाव में, अरे वो है पाकिस्तान बॉर्डर बस 0 पॉइंट एकदम। अच्छा हम चाहते हैं उस तरफ जाए और ये चाहते हैं कि इस तरफ आए, और हम चाहते भी हैं कि और ये रहा 0 पॉइंट जो कि पाकिस्तान में आता है, यहीं पे होती है सिक्योरिटी चेक वगैरह और ओरिजिनल थार के अंदर बैठ जाते हैं, और हमारी बस आप लोग ये समझिए कि बस मुनाबाव तक ही है, ये पूरा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है और ये रहा भारत का नक्शा, बाकी सब तो ये जाते हैं कि एकदम पाकिस्तान के करीब पहुंच चुके हैं हम लोग। श्रीलंका का बॉर्डर भी टच हुआ, एक अलग ही फीलिंग है शायद आप लोग को मैं समझा पाऊँ इस चीज को, मतलब एक श्रीलंका पूरा जजीरा है शायद, एक बहुत बड़ी मतलब बात है कि मैं यहाँ पहुंच पाया हूँ और आप लोग को यहाँ तक का जो रूट है उसे दिखा पाया हूँ, और ये है देश की सेना के वीर जवान जिनको शत शत नमन, और इन्हीं की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, सच बता रहा हूँ। बॉर्डर पे अगर ये ना हो तो देश कहाँ किस हाल में होता ये सोच पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, पर बस ये हैं और हम लोग इनके सपोर्ट में हैं, बस जहाँ ये मिले इनका हौसला बढ़ाइए, और वैसे इनको ये हौसले में कमी तो होती नहीं लेकिन फिर भी एक सपोर्ट हमारी तरफ से भी बनना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, इंस्टा आईडी द ट्रेन गुरु, वहाँ भी मैं इसकी कुछ अपडेट्स फोटोज़ वगैरह शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ की रिटर्न जर्नी क्या होने वाली है मुझे भी नहीं पता, देखेंगे क्या होने वाला है, जुड़े रहिए इंस्टाग्राम में वहाँ अपडेट दूंगा इस चीज़ का। परिवार वालों का ख्याल रखिएगा, ऐसे ही मेरे साथ ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहिए पाकिस्तान बॉर्डर के करीब से। जय हिंद दोस्तों। यार बड़ी मज़े की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने यानी कि नहीं देखी, और जिस तरह उन्होंने दिखाया कि बॉर्डर बिल्कुल करीब ही आ गया था, रेलवे लाइन बिल्कुल करीब से गुजर रही थी, हमारे यहाँ पे जो है जो थर डेजर्ट में जो रेलवे लाइन है वो बॉर्डर से काफ़ी दूर है क्योंकि वो बॉर्डर से सीधा जा रही है और ये साथ साथ जा रही थी, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे। वीडियो बहुत ही अच्छी बनाई गई थी और जो छोटी छोटी बातें थी, जो कल्चर दिखाया गया था, जो लोग दिखाए गए थे वो भी बहुत मज़े के थे। अब मेरा एक सवाल आप लोग से ये कि जिस तरह थर में जो है वहाँ पर इस तरह वो पहनते हैं रेड कलर की ट्रिबाइन पहनते हैं और इस तरह की चीज़ें, तो इंडियन का अगर हम लोग कल्चरल ड्रेस की बात करें तो इंडिया में मेजर जो कल्चर है जिसमें पाकिस्तान में शलवार कमीज़ ज़्यादा पहनी जाती है, तो वहाँ पे क्या है, क्योंकि वहाँ पे मैंने ज़्यादातर दिल्ली हो गया मुंबई हो गया 90% चीज़ें मैंने जो देखी हैं वो पेंट शर्ट ही देखी हैं, और या अगर किसी फंक्शन पे किसी ने शेरवानी पहन ली तो वो पाकिस्तान में भी सेम ही है, लेकिन ट्रेडिशनल क्या है तो वो आप ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे तो सबसे ज़्यादा जो वीडियो बना रहा था वो काफ़ी एक्साइटेड था, और जो ट्रेन में जो ट्रेवल कर रहे थे वो काफ़ी बस चेयर बैठे हुए बस ठीक है गुजर रहे हैं, लेकिन जो क्योंकि इंसाइड जब हम लोग कभी बॉर्डर विजिट करते हैं तो हम लोग भी इसी तरह एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जो वहाँ के लोग होते हैं वो इतना नहीं होते, और हम सब चाहते हैं कि बॉर्डर खुले और हम एक दूसरे से मिले, क्योंकि उस तरफ भी बॉर्डर के अपने और इस तरफ भी है, और जाहिर सी बात है हम सब चाहते हैं कि हम एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के कल्चर्स को जाने, एक दूसरे को मिसाल पहचान सके, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये सारी गवर्नमेंट ऑफिशल ही संभालते हैं, तो हम खुद चाहते हैं कि हम ये जो ट्रेन है जो तर है और जो दूसरे ट्रेन है वो वापस शुरू हो जाए और हम एक दूसरे से मिलते रहें, जिस तरह के जो रिलीजियस था जो सिख रिलीजियस गुरुद्वारा था वो खुल गया था, इसी तरह इस तरह ये तर एक्सप्रेस भी वापस खुले और हम एक दूसरे से इसी तरह मिलते रहें। बिल्कुल वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी जिसमें इस तरह दिखाया गया था कि मतलब ट्रेन ऑल द वे मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ आ रही है, फिर एक्साइटमेंट मतलब जो लोग मतलब फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे उनके लिए एक्साइटमेंट बहुत बड़ा था कि ये चीज़, हम भी खुद इतने एक्साइटेड होते हैं कि इस तरह का भी मौका मिलता है कि मतलब हम उस साइड में मतलब देख भी सके कि हम एक ही ज़मीन है, मतलब उस पर लाइन खींची भी हम बिल्कुल आ नहीं जा सकते, वो लोग बिल्कुल यहाँ नहीं आ सकते, तो
मेरे ख्याल से ये रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट नहीं बनाई है, लोगों में इतना वो नहीं हो। अभी भी अगर बॉर्डर्स खुलती है और वीज़ा वगैरह मतलब आसानी से मिल जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे मालिक के लोग, हम दोनों जो मालिक या देश है उसमें ज़्यादा आएंगे, बल्कि जो अपने ये इंडिया और पाकिस्तान वाले वो एक दूसरे के कंट्री को ज़्यादा विज़िट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे ख़ुद बहुत पसंद है कि मैं मतलब इंडिया जा के विज़िट कर सकूँ। तो वीडियो ओवरऑल बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा राजस्थान को हमने देखा, बहुत ज़्यादा कल्चर के हवाले से सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।